हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से युक्त, या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से युक्त कई कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम कैसे निकालेंगे आपको सिखाया था। आज के वीडियो में आपको फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड और एस्टर से युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम निकालना बताऊंगा, मतलब लिखना बताऊंगा। एसिल हैलाइड जिसका पहचान है सी ओ एक्स लगा, एक्स का मतलब क्या होता है, सी ओ के साथ एक्स होगा। एक्स क्या है हमारा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन क्लोरीन हो सकता है। और सफिक्स हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ऑयल हैलाइड, मतलब यदि क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड, ऐसे लिखा जाएगा। और सेकेंड हमने लिया है एस्टर सी डबल ओ आर, सफिक्स क्या होगा, ओएट, क्या होगा ओएट। और हमने इन्हीं दोनों फंक्शनल ग्रुप पे कुछ एग्जाम्पल मैंने बनाया है, इनका आईपीएसी नेम आपको कैसे लिखेंगे बताना सिखाऊंगा। तो आप देख लीजिए कितने कार्बन है इसमें, एक और दो कार्बन है, ठीक है। और सी ओ आ गया यक्स, मतलब सी ओ एल सी एल, सी ओ सी एल, एक्स का मतलब सी एल आ गया। तो इसको दो कार्बन है तो क्या लिख सकते हैं, सीधे आप लिख सकते हैं एथे नोइल, या ओइल जोड़ दीजिए, एथेनोइल और क्लोराइड, हिंदी में मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं एथे एन ओ आई एल नोइल क्लोराइड, क्लोराइड। तो एथेनोइल क्लोराइड हो गया। सेकेंड है देखिए इसी तरह है सी ओ एक्स मतलब सी एल, और तीन नंबर पे साइड चेन है तो साइड चेन का नाम लिख लीजिए थ्री, उसके बाद आप हाइफन लगा दीजिए और सी एस थ्री को आपने बताया क्या क्या लिखा जाएगा, मेथिल, थ्री मेथिल। उसके बाद कार्बन काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार, काउंटिंग की गई है, चार कार्बन है तो क्या होना चाहिए, ब्यूटेन ओइल, ब्यू टेन ओ आई एल जोड़ दीजिए, तो ओ आई एल जोड़ तो ब्यूटेन ओइल फिर क्लोराइड, सी ओ एल आई सी एल ओ आर आई डी क्लोराइड। नेक्स्ट देख लीजिए सी ओ सी एल है, सेम आया हुआ है, कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन ओइल, प्रोपेन ओइल क्लोराइड। चलिए ये भी हो गया। अब ये देख लीजिए एस्टर पे तीनों बेस्ड हैं, तो कैसे इसका हम और बेसिन नाम लिखेंगे। एस्टर के लिए हमने बताया है ओएट आपको क्या करना है, सफिक्स के रूप में लगाना है। तो कितने कार्बन पीछे से, इसको हम पहले पीछे वाले का मतलब सी डबल ओ के बाद जो भी होगा उसका पहले नाम लिखेंगे। तो क्या है, सी एस थ्री है तो इसको लिखा जाएगा मेथिल, आपने मेथिल लिख लिया। अब देखिए कितने कार्बन इस साइड से, अब इसको छोड़ दीजिए, इसे देखिए एक कार्बन और दो कार्बन है, तो दो कार्बन तो क्या होगा, एथेन हो जाएगा, एथेन ओएट, ओ ए टी, एथेन ओएट हो गया, मेथिल एथेन ओएट। यहाँ भी इसी तरह देख लीजिए कितने, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेथिल, फिर कितने कार्बन, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन ओएट, प्रो पेन लिख दीजिए फिर ओ ए टी लिख दीजिए, प्रोपेन ओएट, ये हो गया प्रोपे नोएट, ओ ए टी नोएट हो गया। इस तरह देखिए इसको भी लिख सकते हैं, कितने, एक कार्बन है, सी एस थ्री है तो इसको मेथिली लिखा जाएगा, पढ़ा भी जाएगा मेथिल, पीछे से कितने कार्बन है, इसके साइड से काउंट कर लीजिए, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा प्रोपे नोएट, एन ओ ए टी, प्रोपे नोएट। तो इस तरीके से हम एसिड हैलाइड एस्टर से युक्त कार्बनिक यौगिकों का जैसे नाम आसानी से लिख सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनका सफिक्स क्या है, मतलब सफिक्स क्या हम ऐड करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप हमें पता होना चाहिए, जैसे सी ओ एक्स और सी डबल ओ आर। यदि ये पता है तभी आप पहचान करके सफिक्स लगा करके आप सही सही आर बी एस नेम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको एसिल हैलाइड एस्टर से युक्त कार्बनिक यौगिकों का आर बी एस नाम समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।